पिछोर विधायक केपी सिंह के बचाव में आई कांग्रेस। कांग्रेसियों ने किया एसपी ऑफिस का घेराव, दिया ज्ञापन। ज्ञापन में की गई मांग, वीडियो में की गई तोड़ मड़ो, साइबर सेल से हो जांच। शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक केपी सिंह पर महिलाओं के संदर्भ में की गई अभद्र टिप्पणी के बाद एफआईआर दर्ज किए जाने का कांग्रेस ने विरोध किया है। मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए एकत्रित होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर डाला। एसपी को सौंपे ज्ञापन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पिछोर विधायक पर की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की और इस मामले में आरोप लगाया कि वीडियो में काट छांट की जाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसकी साइबर सेल से जांच की मांग की। मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर पुलिस अधीक्षक के नाम यह ज्ञापन एसपी कार्यालय पर एकत्रित होकर दिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्तागण मौजूद रहे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय सिंह चौहान ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देते वक्त पत्रकारों से चर्चा में कहा कि पिछोर विधायक केपी सिंह पर जो एफआईआर की गई है उसे निरस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक द्वेष के तहत यह कार्रवाई की गई है। इस तरह की एफआईआर सत्ताधारी दल के दबाव में की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछोर विधायक के वीडियो को तोड़ा मरोड़ा गया है। सत्ताधारी दल के लोग राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस तरह के कुचक्र रच रहे हैं। गौरतलब है कि पिछोर से कांग्रेस विधायक और मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री रहे केपी सिंह का एक वीडियो पिछले दिनों वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने महिलाओं के संदर्भ में अभद्र टिप्पणी की थी। आज ज्ञापन देने आए कांग्रेस पार्टी के यहाँ सभी लोग हैं, तो क्या मामला है थोड़ा बताएं। हाँ भाई, और कौन है? बिल्ली खम्मा नोच रही है। पिछोर से जो हमारे सरमान नेता हैं माननीय केपी सिंह जी, 6 बार के विधायक हैं, उन पर किसी प्रकार का कोई लांछन तो लग नहीं सकता। 24 घंटे में से वो 10-12 घंटे वो क्षेत्र में रहते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। इवन वो अपने जो उनके वोटर हैं उनके घर घर तक उनकी पहुँच है। सास बहुओं के झगड़े भी वो निपटाते हैं। इस स्तर पर जाकर वो लोगों की समस्याओं सुनते हैं और निराकरण करते हैं। उनके खिलाफ किसी प्रकार का कोई वातावरण नहीं है। एक वीडियो वायरल तो हुआ है, सुनिए तो मैं उसको। उनके खिलाफ किसी प्रकार का कोई वातावरण नहीं है। जो वीडियो वायरल हुआ जो आपने बोला, तो वो एक वहाँ की स्थानीय भाषा है। उस स्थानीय भाषा में उन्होंने अपनी बात रखी है कि देखिए, मुझे 53 साल हो गए चुनाव लड़ते हुए, मेरी उम्र हो गई, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं। आप लोग सब सहमत हो तो मैं इस बार चुनाव लड़ने की सोचूं। इसी क्रम में लेकर उन्होंने ये बात कही। वो एक कहावत है, उनका कोई उद्देश्य ऐसा नहीं था, ना है, ना पीछे उनका ऐसा कोई रिकॉर्ड है, ना आगे कभी। 70 साल की उम्र है, इस उम्र में जाके जो 6 बार के विधायक है, इस उम्र में जाके इस तरह की बात सोचना भी एक नहीं। उस बयान के बाद हालांकि उन्होंने माफ़ी भी मांग ली थी, लेकिन उसके बाद भी एफआईआर हुई। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का 18 साल का जो कुशासन है, मैंने पहले ही बोला आपसे कि अब खिजान का बिल्ली अब क्या कर सकती है, तो खम्मा नोच रही है, तो एफआईआर दर्ज करा रही है। ऐसे उलझलूर बयानों से जो जिसका कोई महत्व तो नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, उन पर उन ऐसी धाराओं में जो आपके एफआईआर कराई है, इसका कोई मतलब ही नहीं, जो लगती नहीं है, बनती नहीं। आज ज्ञापन दे रहे हैं, क्या उद्देश्य उसमें? हमारा ये ज्ञापन देने का उद्देश्य ये है कि पहले तो ये एफआईआर वापस ले शासन, दूसरा जिस व्यक्ति ने ये जो वीडियो काट छांट के बनाई है, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उस पर एफआईआर होना चाहिए। नहीं होती है तो क्या करेंगे? नहीं होती है तो देखिए, नहीं होती है तो हम जो आज तो हम ज्ञापन दे रहे हैं, एसपी साहब को, महोदय को समझाएंगे, बताएंगे। नहीं होती है तो हम आगे इसका आंदोलन का रूप लेकर पूरे जिले में चलाएंगे, पूरे संभाग में चलाएंगे, पूरे देश में, प्रदेश में चलाएंगे। नहीं, समय सीमा तो नहीं है, जो भी एसपी साहब जो कहेंगे उसके बाद ही हम इसको तय करेंगे। वरिष्ठ नेताओं से बात करने के बाद ही तय होगा, क्योंकि ये जिला जो हमारे लीडर हैं, कोई हमारे शिवपुरी जिले के लीडर नहीं है, संभागीय और प्रदेश स्तरीय लीडर हैं हमारे। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? सही है, आज ज्ञापन दिया है, क्या क्या समस्या को लेकर दिया है? अभी कुछ समय से एक वीडियो वायरल होने के चक्कर में भाजपा के कुछ लोग हमारे विधायक जी की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे थे, और उसी संबंध में उन्होंने कल जाके एफआईआर भी करा दी। जबकि उसको जांच करने के लिए सबसे पहले हम लोग गए थे कि उस वीडियो की जांच की जाए, उसको तोड़ मरोड़ के जिसने भी डाला है उसमें
दंडात्मक संवैधानिक कार्रवाई की जाए, लेकिन ये भाजपा की सरकार है, इसमें सुनवाई और तानाशाही आज के समय में है और उनके एक मिनट के अंदर माननीय कक्का जी साहब के उस पर FIR उन्होंने दर्ज की, जबकि हमें भी पर्सनली लोग परेशान करते हैं, हम भी शिकायतें करते हैं, हमारी FIR आज तक नहीं लिखी गई और उनकी FIR एक मिनट में, जबकि उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन हमारा तो कुछ है नहीं, लेकिन परंतु माननीय विधायक जी 30 साल से विधायक है, उनके 30 साल से कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख ले, पिछोर में कभी ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई जब जिससे महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचे। तो मैं हम सबने आज यही मांग रखी है कि उस वीडियो को पूरा माननीय SP महोदय देखें और उसकी जांच करें और जो निराधार वहां पे FIR उन्होंने छाड़ी है उसको निरस्त करें। यह आप किसी संगठन की तरफ? हाँ, मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का अध्यक्ष हूँ। क्या मामला है? आप भी क्या KP सिंह जी के मामले में हैं? समर्थन में सपोर्ट में ज्ञापन देने आया, समाज की ओर से, समाज सारा साथ में आया हुआ है। क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि जो भी पिछोर में तथाकथित लोगों ने दुर्भावनापूर्ण राजनीति से प्रेरित होकर एक षड्यंत्र रचा है जो कि सफल नहीं होगा, क्योंकि 75 साल का व्यक्ति कभी ऐसी मानसिकता से बात नहीं कर सकता और ना पूरे जीवन में छात्र जीवन से आज तक कोई बात ऐसी कभी आई, इसलिए स्वतः ही प्रमाणित है कि ये बात मूल पे असत निराधार है। SP साहब ने क्या आश्वासन दिया? SP साहब ने कहा हम निष्पक्ष जांच करेंगे, उसके बाद ही कार्रवाई करेंगे। अगर कोई कार्रवाई नहीं करते तो आगे क्या? फिर बहुत कठोर आंदोलन होगा, आम आदमी होगा। इसमें करणी सोना, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, महाराणा प्रताप, सारे संगठन जो प्रदेश के हैं सभी उनके लिए समर्पित हैं। उसके लिए हमें अगर सिर कटाना पड़ेगा तो पीछे नहीं हटेंगे। JB हेल्थ केयर अब रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ECG मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।